नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिनमय गेमर में। और ये वैसे थोड़ी पुरानी क्लिप है, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मेरे फ़ोन में ये क्लिप पड़ी हुई थी, तो आज मैं ऐसे ही फ़ोन चेक कर रहा था तब मेरे को मिल गई, तो मैंने सोचा कि चलो एडिट करके यूट्यूब पर डाल ही देते हैं। रख के भी करूँगा क्या, गेम तो वैसे भी बैन हो चुका है, प्ले स्टोर पर वापस आया ही नहीं। वहाँ तुम अपने टीममेट बोलते हैं कि चलो एक साथ ही रहते हैं, और चार नंबर को ज़्यादा ही जल्दी पुचिंग में उतार देते हैं। अब मैं निकल पड़ता हूँ सीधा गन को ढूंढने के लिए, क्योंकि गन तो गन भी चाहिए होगी। मेरे को मिल जाती है पिस्टल, ऊपर मुझे मिल जाती है M16 और शॉटगन। एक बंदा को क्या कर रहा था वो पता नहीं, उसको शॉटगन वगैरह गन कुछ मिली ही नहीं। मैंने इसको ख़त्म किया। राइट में और दो बॉट्स आपस में लड़ रहे थे। ये देखो, ये दोनों के दोनों बॉट्स है, ठीक है, दोनों के दोनों बॉट्स है, लेकिन ये बॉट्स कितना मेरे, देखो भाई, मुझ जैसे इंसान प्लेयर के पास कुछ भी नहीं है। और इस बॉट के पास देखो, जब इसकी पेटी खोलूँगा देख लेना। अभी इसकी आउटफिट समझ में नहीं आएगी, मैंने इसकी आउटफिट ही चुरा ली। मैंने जब इसके गन कुछ चेक किया, मैंने सोचा कि चलो शॉटगन का क्या करूँगा, इसलिए M72 उठाता हूँ। और इसकी आउटफिट देखो, मैंने इसकी आउटफिट ही चुरा ली उसकी आउटफिट ही चुरा ली मैंने। इतनी अमीरों वाली आउटफिट तो हमको कभी मिलने वाली है नहीं, हम तो बहुत बड़े गरीब हैं। तो बॉट्स की चुरा लेते हैं, लेकिन मैं तभी होते मेरे पे फायर। मैं इधर पत्थर का कवर लेके बैठता हूँ, ऊपर देखता हूँ तो दो या फिर एक ही बंदे थे, तो मैंने मार्क कर दिया, दो थे असल में, दो ही थे बंदे। तो उसका एक बंदा जो है वहाँ से कूद के भाग जाता है, और दूसरे बंदे को मैं यहाँ से मारने की कोशिश करता हूँ। मैंने टीममेट्स को बोला कि भाई उधर बंदे कर क्या रहे थे पता नहीं, नेट वेट फेंकते थे तो शायद मर भी जाता वो, लेकिन भाई ये कुछ करते ही नहीं, बस चुपचाप उधर चुप के बैठ जाते हैं। तो मैं अपना हील कर लेता हूँ, एनर्जी ड्रिंक भी लगा लेता हूँ। मर गया सो मर गया, नॉक हो गया तो नॉक हो गया, जाने दो, क्या कर सकते हैं अभी इनका, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे अगर नेट फेंक देते तो शायद मर जाता वो, लेकिन मैं बाहर आके इसको पूरा ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी नॉक कर देता हूँ। अब इसका टीममेट या तो इसको रिवाइव देगा या फिर कहीं पर जाके छुप जाएगा, इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई चलो चलो। और एक नंबर कितना पास था उसके, उसके बावजूद भी उसके ऊपर रश वगैरह कुछ भी नहीं किया इस नूबड़े ने। मैंने इतनी दूर से इसको ख़त्म कर दिया और ये उधर चुपचाप घर के अंदर छुप के बैठा है। मैं ऊपर चला गया अपना किल सेव करने, अगर उसको रिवाइव मिल गया तो बैंड बजाएगा, लेकिन अपने टीममेट उसको ख़त्म कर देता है। तो मैं इसके दूसरे टीममेट को ढूंढने चला जाता हूँ जो यहाँ से भाग चुका होता है। आपको याद ही होगा वो छत से कूद के निकल गया था, और वो क्या कर रहा होता है। अच्छा बेटे, टीपी पी लेगा हमसे, टीपी पी लेगा बेटे, कोचिंग में यही बात है, मैं कोचिंग में टीपी पी लेना बकवास ही हम है, क्योंकि कहीं से भी गोली पड़ जाएगी तुमको, कहीं से भी, पीछे से भी, दाएं बाएं कहीं से भी पड़ सकती है। इसलिए अच्छे ऐसे जगह पर टीपी पी लो जहाँ पर तुम पूरी तरह से बंद हो, वरना भाई मरोगे। अब इधर सामने ऊपर एक बॉट चढ़ा था या बंदा मेरे को नहीं पता, मैंने उसके एक हेड बजाया, वो भागने लग गया। मुझे लगा कि उधर ही नीचे को छुप जाएगा ये, इसलिए मैं उसके जंप शॉट, मेरे को ऐसे जंप शॉट मारना आता नहीं है, इसलिए मैं पहले से जंप किया और ये वो था तो उसको ख़त्म कर दिया। तो इधर एक और बॉट भागते हुए दिखता है, तो उस बॉट को भी मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। अब हमारे टीममेट के पास थी फ्लेयर गन, तो अपना फ्लेयर गन चला देता है ऊपर, लेकिन भाई बाद में चलेगा। अब इधर दो बंदे हमारे ऊपर गाड़ी लेकर रश करते हैं, मैं उनमें से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, लेकिन भाई दूसरा बंदा मेरे को ख़त्म कर देता है। और मैं कहाँ टीपी पे लेने बैठ गया था, अच्छा हुआ दो ही थे इसलिए बच गए। टीममेट को उसने मेरे एक टीममेट को नॉक कर दिया, एक नंबर ने उसको पूरा नॉक कर दिया। अब शक था कि भी तीन बंदे तो नहीं थे, लेकिन नहीं, ये दो ही बंदे थे। अपने दो टीममेट्स को कहाँ पे छोड़ के आए थे पता नहीं, अगर उन दोनों को भी साथ में लेके आते तो शायद हम लोगों को ये ख़त्म कर देते। और ये तब के टाइम का ग्लिच था पता नहीं, शायद ग्लिच था तब के टाइम का, कि अगर आपने अपने टीममेट को ऐसे कैरी कर लिया तो टीममेट को कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मेरे को यहाँ पर रिवाइव मिल जाता है, और हम अपने टीममेट को भी रिवाइव कर ही देते हैं। मैं अपना पट्टी वट्टी करके लूटने के लिए निकल पड़ता हूँ। वैसे मेरे एक नंबर ने ख़त्म कर दिया इधर एक बॉट, मैं मार देता, मेरे को उतना किल भी मिल जाता, लेकिन कोई नहीं, दूसरा किल मेरे को मिल जाता है। घर के अंदर था एक बॉट, उसको भी ख़त्म किया।
अब हम अपने प्लेयर ड्रॉप का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन सामने एक बंदा या बॉट पता नहीं, लेकिन ये बॉट था तो इसको तो किया। अब मेरे को तो उधर प्लेयर ड्रॉप में MK-14 ही मिली, AW वगैरह कुछ मिली ही नहीं, तो सामने एक बॉट था तो उसको भी ख़त्म किया। और निकल पड़े सामने की ओर। अब यहाँ पर सामने एक स्नाइपर टावर के अंदर एक बंदा चुपके बैठा था, पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन मेरे टीममेट ने उसको पूरा खत्म कर नॉक कर दिया। तो मैं उसका किल सेव करने के लिए अंदर घुस गया, लेकिन इसका टीममेट वगैरह कुछ होता ही नहीं है। तो इधर अपने लूट कर रहे थे तभी भाई सामने से फायर आते, तो पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठे थे। अब अपने टीममेट M249 से टैप टैप करके मार रहा होता है बंदों को। मुझे लगा गाड़ी के पास कोई बंदा है क्या, नहीं गाड़ी के पास कोई नहीं होता है, जो बंदे होते हैं वो वही सामने की तरफ छुपके बैठे होते हैं। अब एक नंबर को पता नहीं कौन से चूर मची थी, सीधा घुस गया उनके ऊपर। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला भाई, हम एक तो बहुत दूर खड़े हैं और तू उनके ऊपर ऐसे पुश करेगा। अरे देखो ऐसे अकेले में पुश करना असल में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तुमको पता नहीं कि बंदे की लोकेशन क्या है। अगर लोकेशन पता नहीं हो तो उनके ऊपर पुश करना बेकार ही हो सकता है, बेकार ही होता है। और मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि भाई 4 नंबर को साथ में लेके उसके ऊपर पुश करे, ताकि हम तीनों मिलके उसको मारे। हम बोलते कि भाई पहाड़ पे भाग, वहाँ से भाग, पेड़ के पीछे छुप जाए, लेकिन वो क्या करता है सीधा उसको मारने के चक्कर में खुद ही मर जाता है। और ये देखो एनिमी को पीठ दिखा यही नतीजा, इसलिए एनिमी को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इसने पीठ दिखाए, पेट दिखाने का नतीजा नॉक हो गया। अब 4 नंबर में उसके ऊपर सीधा बग्गी लगी, कुछ पड़ता है इधर एक बॉटर है तो उसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। और 4 नंबर के पास तो थी ही M249, तो करना क्या था, 4 नंबर ने सारी की सारी M249 की गोली उसके अंदर भर दी, लेकिन हमारा टीममेट गया। अब हमारे अलावा सिर्फ एक बंदा बचा था। हम अपना उधर में जिधर भी जोन था उधर चेक किया कि भाई कहाँ पर है, कहाँ पर है बंदा, ढूंढने से मिल नहीं रहा था किधर है बंदा। और वो लास्ट बंदा क्या कर रहा होता है देखो, इधर फाइटिंग चल रही है, लूट कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।